कोच राहुल द्रविड़ ने कहा क्या खत्म हो जाएगा विराट कोहली और रोहित शर्मा का T20 करियर। हेड कोच द्रविड़ ने किया इसका खुलासा। कोच राहुल द्रविड़ ने कहा कि सीनियर खिलाड़ी 50 ओवर के विश्व कप पर ध्यान दे रहे हैं जो इस साल भारत में खेला जाएगा। वहीं श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए घोषित की गई T20 टीम के बाद यह खबर उठने लगी है कि सीनियर खिलाड़ियों को T20 करियर खत्म हो गया क्या। श्रीलंका के खिलाफ हार के बाद भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि इंडिया 2024 T20 विश्व कप के लिए युवा टीम बनाने पर ध्यान दे रही है। हालांकि उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम जोर लिया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि 2024 में T20 विश्व कप के लिए पूरी युवा टीम हो सकती है। दरअसल रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल जैसे सीनियर खिलाड़ियों को T20 के लिए आराम दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोच राहुल द्रविड़ ने कहा कि सीनियर खिलाड़ी 50 ओवर के विश्व कप पर ध्यान दे रहे हैं जो इस साल भारत में खेला जाएगा। गौरतलब हो कि श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में शामिल खिलाड़ियों के में केवल हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, अक्षर पटेल और अर्शदीप शामिल है जिन्हें विश्व कप सेमीफाइनल में खेला। बाकी सभी यंग खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। युवा खिलाड़ियों का किया बचाव। मैच में खराब प्रदर्शन पर उठ रहे सवाल का जवाब देते हुए द्रविड़ ने कहा युवा टीम को श्रीलंका की गुणवत्ता वाली टीम के खिलाफ खेलना एक शानदार अनुभव है। अच्छा बात यह है कि एक दिवसीय विश्व टेस्ट चैंपियनशिप पर बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए T20 में हमें इन लोगों को आजमाने का मौका दिया है। गेंदबाजों को बचाव करते हुए कहा हमें धैर्य रखने की ज़रूरत है। भारत के प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर राहुल द्रविड़ ने कहा कि युवाओं को श्रीलंका की गुणवत्ता वाली टीम से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। भारत के प्रदर्शन के बारे में राहुल द्रविड़ ने कहा कि इस युवा टीम के साथ धैर्य रखना होगा क्योंकि उनके पास एक सीखने और करने के लिए बहुत कुछ है। द्रविड़ ने गेंदबाजों को बचाव करते हुए कहा कोई भी वाइड या नो बॉल नहीं फेंकना चाहता, इस प्रारूप में यह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। हमें इन युवा खिलाड़ियों का साथ देना चाहिए। बहुत सारे नए खिलाड़ी खेल रहे हैं, वे बहुत कुशल हैं, वे सीख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हम काम पर सीखना कठिन है, इसलिए हमें धैर्य रखना